नमस्कार दोस्तों, रूपम खाना खजाना में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आप सभी के लिए फिर से एक देसी रेसिपी लेकर आई हूँ और ये रेसिपी आपने शायद पहले कभी नहीं ट्राई की होगी। आज मैं बनाऊंगी बैंगन और मूली की सब्ज़ी। इसे बनाना बहुत ही आसान है और खाने में एकदम चटपटी और टेस्टी। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो बिना किसी देरी के आज की इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। इस सब्ज़ी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर सबसे पहले 1 से 2 मूली ली है, कुछ छोटे वाले बैंगन और आलू। इस सब्ज़ी में मैं आलू भी ऐड करने वाली हूँ, वैसे ये ऑप्शनल है। अब बैंगन छोटे हैं तो इन्हें मैं कुछ इस तरीके से 4 टुकड़ों में कट कर लूँगी। जब आप ये सब्ज़ी बनाएंगे तो जिन्हें बैंगन और मूली नहीं भी पसंद है वो भी आपसे मांग कर खाएंगे। अब मैंने मूली ली है, सबसे पहले इसके ऊपर वाले छिलके को हल्का हल्का सा हटा लूँगी और फिर गोल गोल शेप में कट कर लूँगी, वैसे ही जैसे सैलेड के लिए काटते हैं। ये सब्ज़ी बहुत ही डिफरेंट होने वाली है, तो एक बार घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए मूली यहाँ पर कट हो चुकी है। अब मैंने लास्ट में लिए हैं आलू, इसको भी मैं पील कर लूँगी। वैसे आप चाहे तो छिलके के साथ भी बना सकते हैं, वो भी टेस्टी लगते हैं। अब आलू को जैसे मर्जी कट कर लीजिए, मैंने यहाँ पर क्यूब शेप में कट किया है, बस आलू अच्छे से पकने चाहिए। तो हमारी सारी सब्ज़ियाँ कट कर तैयार हो चुकी है। इस सब्ज़ी को बनाने के लिए हमें बैंगन, मूली, आलू, 1 टमाटर और 1 हरी मिर्च की ज़रूरत है। तो चलिए सब्ज़ी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो अब मैंने एक पैन में 4 बड़े चम्मच मस्टर्ड ऑयल लिया था। ऑयल गर्म हो चुका है तो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/2 चम्मच सरसों और 1 छोटा चम्मच जीरा। जैसे ही ये दोनों चटक जाए फिर आप इसमें ऐड कर दीजिए आलू, मूली और बैंगन और इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। फ्लेम को आप इस टाइम पर मीडियम टू हाई रख सकते हैं। एक तरह से हमें यहाँ पर सब्जियों को अच्छे से रोस्ट कर लेना है, यानी कि भून लेना है। इसके लिए आप इसे ढककर 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। तो ये देखिए 3 मिनट हो चुके हैं, अब इसे हटाकर देख लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं जो सब्ज़ियाँ है वो हल्की हल्की सॉफ्ट हो चुकी है, यानी कि पक चुकी है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे मसाले और मैं यहाँ पर स्पेशल ग्रेवी भी बनाने वाली हूँ। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोला था ये सब्ज़ी डिफरेंट होने वाली है। तो ग्रेवी बनाने के लिए हमें कुछ इंग्रेडिएंट्स चाहिए, जिसमें है 1 बड़ा प्याज जिसे मैंने रफली चॉप कर रखा है, 1 हरी मिर्च, 3 से 4 लहसुन के टुकड़े, छोटे चम्मच से 1/2 चम्मच जीरा, सरसों, 1 टमाटर और 4 से 5 काली मिर्च। इन सब का एक पेस्ट तैयार कर लेना है। तो मैं ये सारे इंग्रेडिएंट्स एक जार में डालकर ऊपर से ऐड करूँगी थोड़ा सा पानी और इसे सिंपली ग्राइंड कर लूँगी। तो ये देखिए पेस्ट हमारा तैयार है, कंसिस्टेंसी कुछ इस तरीके की है। अब मैं इसे डाल दूँगी पैन में और इसे भी एक बार अच्छे से मिक्स करके 3 से 4 मिनट के लिए भून लूँगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आ रही है तो नीचे दिए गए लाइक के बटन को प्रेस करके मेरे यूट्यूब चैनल रूपम खाना खजाना को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आप सभी के लिए यहाँ पर बहुत ही इजी रेसिपीज़ लाती रहती हूँ। तो मैंने सब्जियों को ग्रेवी के साथ अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी कुछ मसाले, जिसमें है 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, हल्का सा गर्म मसाला और स्वाद अनुसार नमक। इसे भी एक बार मिक्स करेंगे। अब हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स कंप्लीट हो चुके हैं और हमारी सब्ज़ी भी ऑलमोस्ट रेडी है। आप चाहे तो इसे 4 से 5 मिनट और पकाकर एंजॉय कर सकते हैं, पर मैं इस सब्ज़ी को थोड़ा तरीदार रखने वाली हूँ, जिसके लिए मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 गिलास पानी। दोनों ही सब्ज़ियाँ अच्छी लगती है, आपको जो भी तरीका पसंद आए आप उस तरीके से बना सकते हैं। तो मैं इस सब्ज़ी को हाई फ्लेम पर 5 मिनट के लिए ढककर पका लेती हूँ और डायरेक्टली आपको सर्व करके दिखाती हूँ। तो तैयार है आज की हमारी शानदार रेसिपी बैंगन और मूली की सब्ज़ी। फ्लेम को कर देती हूँ ऑफ और ये देखिए लग रही है ना एकदम लाजवाब, खुशबू बहुत ही ज़्यादा बढ़िया आ रही है, खाने में एकदम चटपटी और मसालेदार। अब जब भी आपको कुछ देसी खाने का मन करे फटाफट इस सब्ज़ी को बनाइए और चावल चपाती किसी के साथ भी इंजॉय कीजिए, बहुत ही शानदार सब्ज़ी। कैसी लगी आपको ये रेसिपी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और हाँ वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। तो फिर मिलेंगे एक और शानदार एंड न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद मी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।